नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। खबर मधेपुरा से। मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सौरभ कुमार व जिला अध्यक्ष राहुल के नेतृत्व में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय गेट से भूपेंद्र चौक तक एक विशाल आक्रोश मार्च व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अर्थी जुलूस निकाला गया। मौके पर मौजूद ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव व युवा नेता मुरारी ने कहा कि आज का यह मार्च देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया जा रहा है। आज वो लोग सत्ता में हैं जो लोग गैस सिलेंडर, प्याज की माला, 50 रुपया लीटर के पेट्रोल पाकर भी हंगामा करते रहते थे। जो स्मृति ईरानी तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी, अब क्या वो चूड़ियां पहनना छोड़ दी हैं? या आप देश के सबसे भ्रष्ट विदेशों में रहने वाले व फेकू प्रधानमंत्री जी को क्या क्या भेजती हैं? आज हम लोग भी जानना चाहते हैं। हमारे बिहार की 15 सालों से बातें निराली थी ही, अब 6 सालों से देश की भी बात उससे ज्यादा ही निराली हो गई है, क्योंकि नीतीश मोदी जी को बाल ना बच्चा नींद आए अच्छा वाली बात है। चाहे देश की बेटियों की अस्मिता लूटते रहे, पेट्रोल डीजल की दाम शतक ही क्यों ना लग जाए, आलू प्याज तो पहले ही 50 पार कर चुके हैं, किसानों की हालात आप सब जानते ही हैं। इन लोगों को सिर्फ सत्ता की सुख की चिंता है। देश में कोरोना काल में चुनाव पर चुनाव हो रहे हैं, मगर रेल बंद करके स्पेशल ट्रेनों को चलाकर उनके नाम पर आम नागरिकों का शोषण कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों पर ट्रेन से ही क्या सिर्फ कोरोना होता है? जवाब दे सरकार। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज का यह आक्रोश मार्च सहार्थी जुलूस निकाला गया। आगे चलकर अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानते तो हम लोग समस्त ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के साथ ही सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे, चाहे यह निकम्मी सरकार हमारी जान ही क्यों ना ले ले। कार्यक्रम में जिला महासचिव मोहम्मद अदालत, जिला सचिव मोहम्मद मुशाहिद, मधेपुरा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शाहवाज, अजीत कुमार, अंकुर यादव, राजा आशुतोष, आनंद, अभिषेक, कृष्णा सिंह, अमलपति, पुष्पक कुमार, शैलेंद्र, लक्ष्मण यादव, अमोद कुमार, श्याम कुमार, इंदल यादव आदि सैकड़ों ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शामिल हुए। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।